तो दोस्तों जून का महीना ख़त्म होने को आया है और मानसून लगभग हर जगह दस्तक दे चुका है। इस मानसून सीजन में कुछ फूल फ्लावर प्लांट्स मैं आपको दिखाऊंगा जो कि पूरे मानसून सीजन हैवी ब्लूमिंग पे रहेंगे आपके गार्डन में। तो आपने अगर नहीं लगाया इन्हें तो अपने गार्डन में ज़रूर लगा लें और पूरे गार्डन को फूलों से महका दें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलती रहें। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पौधा दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास ये करीब 6-7 महीने से है और मुझे इसका नाम नहीं पता है। अगर आप में से किसी को भी इसका नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैंने सर्च करने की कोशिश की पर फ्लावर्स अगर ऐसे मिल रहे हैं तो इनकी लीव्स वैसी नहीं मिल रही हैं जो इमेज में शो हो रहा है, तो मैं आपको दिखा दूँ अच्छे से। ये देखिए, ये इसके फ्लावर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स, गुच्छों में फ्लावर्स आ रहे हैं इसमें, और इसकी लीव्स भी आप देख लें। तो अगर आप में से किसी भी को इसका नाम पता हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वैसे काफ़ी अच्छा पौधा है, देखिए करीब 2.5 फुट का हो चुका है और इसमें फ्लावर्स काफ़ी अच्छी ब्लूम हो रही हैं और कंटिन्यूस हो रही हैं। तो अगर आपको किसी को भी नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ 10 ऐसे फ्लावर प्लांट्स दिखाऊँगा जिन्हें आप अपने यहाँ गमलों में लगा सकते हैं और पूरे रेनी सीजन और कुछ विंटर सीजन की स्टार्टिंग तक हैवी मात्रा में आपको फ्लावरिंग देंगी। तो पहला पौधा उसमें से मैं दिखाऊँ आपको, ये कनेर का है, ड्वार्फ वैरायटी का है। ये 3 पौधे मैंने लगा रखे हैं इस गमले में और इसमें देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी ढेर सारी कलियां हैं और जैसे जैसे बारिश होती जाएगी वैसे वैसे इसमें फूल की संख्या बढ़ती जाएगी। अगर आप 1 से 2 पौधा 3 पौधा भी लगाते हैं इसे 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं और लेस केयर में आपको ये पौधा पूरे सीजन भर काफ़ी मात्रा में फ्लावर प्रोड्यूस करता रहेगा। दूसरा दोस्तों ये अलमंडा का पौधा है, इसमें फ्लावरिंग तो पहले से हो रही है लेकिन जो इसका फ्लावरिंग टाइम है वो रेनी सीजन के बाद बिल्कुल खिल के आता है। ढेर सारी कलियां इसमें, देखिए जो नई नई ग्रोथ हैं, जितनी भी ये नई नई ग्रोथ हैं सब में कलियां आ जाएंगी, कुछ कलियां बनी भी हुई हैं। तो ये भी आपको विंटर सीजन तक काफ़ी मात्रा में फ्लावर्स देने वाला है। मेरे पास देखिए ये एक येलो कलर का है और इधर ये एक और है जिसमें कुछ मैरून कलर का फ्लावर आता है। 1-2 फ्लावर आए थे जो कि अभी ड्रॉप हो गए हैं, अब नए फ्लावर्स कुछ दिन में बनने शुरू हो जाएंगे। तो अलमंडा भी पूरे सीजन विंटर तक आपको ढेर सारे फूल देता रहेगा। फिर उसके बाद दोस्तों ये हरसिंगार है, सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी ज़्यादा खुशबू वाला फूल होता है इसका, तो इसे भी आप अपने यहाँ गमले में लगा सकते हैं और बारिश के बाद से ये पूरी यहाँ तक कि ठंडियों में भी इसमें ढेर सारे फूल आते हैं, तो यही इसका सीजन होता है। तो अलमंडा भी आपको रेनी सीजन में और रेनी सीजन के बाद काफ़ी ढेर सारी मात्रा में फ्लावर्स देगा और एक पौधा ही आपके पूरे गार्डन को महका देगा। फिर दोस्तों ये है चांदनी, रात में इसके फूल खिलते हैं और इसमें खुशबू तो नहीं होती है कुछ खास, पर इसके जो फूल खिलते हैं तो काफ़ी खूबसूरत दिखता है ये पौधा, ऊपर से चारों तरफ से गोल सा फूलों से ढक जाता है इसका पौधा, तो इसे भी लगा सकते हैं और सर्दियों पूरी सर्दियों तक आपको काफ़ी मात्रा में इससे फ्लावरिंग मिलने वाली है। फिर दोस्तों हिबिस्कस गुड़हल ड्वार्फ वैरायटी में भी हैं और जो देसी गुड़हल हैं तो इनको भी लगा सकते हैं और सर्दियों में भी इनकी फ्लावरिंग आती है, बारिश के बाद से अच्छी फ्लावरिंग की स्टेज पे जाते हैं। सर्दियों में चूंकि थोड़ी इनकी फूल की जो साइज़ होती है वो छोटी हो जाती है लेकिन ये परमानेंट फ्लावर प्लांट है जो आपको हमेशा गार्डन में फ्लावर देता रहता है। हमने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है तो पौधा नई ग्रोथ ले चुका है, काफ़ी हरा भरा हो चुका है, अब इसमें जल्दी ही कलियां आनी शुरू हो जाएंगी। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो प्लांट है वो प्लूमेरिया चंपा का पौधा जो मैंने कटिंग्स लगाई है, ये रेड कलर वाला है, तो इसमें अभी ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी हो गई है, अब इसमें जल्दी ही कलियां बननी शुरू हो जाएंगी और फूल इन जो नई ग्रोथ है इसमें इसमें फूल दिखने लग जाएंगे और सर्दी के स्टार्टिंग तक काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें भी फूल आते रहेंगे। फिर दोस्तों जो नेक्स्ट पौधे की बात करें, बोगनविलिया, ये समर का ही प्लांट है, समर सीजन से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और जितनी आप इसकी फूलों की गिनती कभी कर ही नहीं सकते हैं, तो समर सीजन में तो फ्लावरिंग आती ही आती है, रेनी सीजन में और विंटर सीजन तक इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग होती रहती है और उसके बाद ये डोरमेंसी में चला जाता है पौधा, तो आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ही ईजी है लगाना, 10 से 12 इंच के गमले में लगा दीजिए, लेस वाटरिंग वाला प्लांट है और काफ़ी ज़्यादा फूल प्रोड्यूस करता है तो गार्डन की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देता है।
फिर जो दोस्तों नेक्स्ट प्लांट है ये है इक्जोरा का, इसमें फूल तो पहले से आ रहे हैं पर जब बारिश के बाद इसमें खिल के फूल आएंगे तो फिर ये देखिए गुच्छों में फूल आते हैं इसमें इस प्रकार से, और ये भी दो तीन कलर में हैं मेरे पास, वाइट कलर अवेलेबल है आपको दिखाऊँ। ये देखिए जो नई ग्रोथ आ रही है इन सब में पूरे गुच्छे बनेंगे फूल के और पौधे की ग्रोथ भी हो रही है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ये पौधा फूलों से ढक जाएगा। तो ये भी है जो सर्दियों तक लगातार फ्लावर प्रोड्यूस करता रहेगा और गार्डन को खूबसूरत बनाता रहेगा। फिर दोस्तों ये है बेला, जिसको कि मोगरा भी बोलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा खुशबूदार इसके फूल होते हैं, बहुत ही खुशबू अच्छी आती है इसमें। अगर आपके गार्डन में लगा हुआ है और उसमें फूल खिले हुए हैं तो पूरा गार्डन इसकी खुशबू से महकता रहता है। तो इसमें भी मैंने आपकी मेरी पिछली वीडियो पड़ी हुई है मोगरा की केयर कैसे करें, उसमें कौन सा फर्टिलाइजर दें, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। देखिए इसमें 12x12 इंच के ग्रो बैग में ये पौधा लगा हुआ है और इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं और इसमें फ्लावर्स देख सकते हैं। ये देखिए देखिए सारे फूल जो झड़ के नीचे गिरे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें फ्लावरिंग आ रही है और अभी भी नए बड्स बने हुए हैं ढेर सारे, तो आप देख सकते हैं और काफ़ी फूल भी खिल रहे हैं। तो अब इसमें जो फ्लावर्स थे वो सब ड्रॉप हो चुके हैं, अब इसमें नई फ्लावर नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। तो रेनी सीजन से लेके ये समर में भी खिल रहा है फूल इसमें और विंटर तक लगातार इसमें फूल आते रहते हैं। हालांकि ये पौधा थोड़ा हैवी फीडर है तो इसमें हर महीने आपको कंपोस्टिंग करनी होगी, गुड़ाई करते रहनी है और वाटरिंग का खास ख्याल रखना है इस पौधे में। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं तो आपको पूरा गार्डन आपका इस पौधे के फूल से महकता हुआ हमेशा मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक बेला को नहीं लगाया है, मोगरा को नहीं लगाया, तो ज़रूर लगा लें। ये कटिंग से भी लग सकती है और रेनी सीजन में कटिंग्स लगाना सबसे ज़्यादा आसान होता है, तो आप इस पौधे को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको ले चलता हूँ मैं इधर, ये देखिए दोस्तों ये पोर्टोला का है, जिसे हम लोकल हमारी लैंग्वेज में लक्ष्मण बूटी भी कहते हैं। कई कलर ऑप्शन में है मेरे पास, ये वाइट येलो रेड एंड पिंक चार कलर अवेलेबल हैं। और ये पौधा हालांकि फ्लावरिंग तो प्रोड्यूस कर रहा है काफ़ी अच्छी मात्रा में, लेकिन ये रेनी सीजन के बाद से इसमें जो जो आपको ग्रीनरी दिख रही है ये ना के बराबर दिखेगी, पूरा गमला फूलों से भर जाएगा। और इनकी कटिंग्स भी बहुत ही ईजिली लग जाती हैं, आपने बस सिंपल यहाँ से तोड़ना है और इसको कहीं भी मिट्टी में लगा देना है और मिट्टी में नमी बना के रखना है, इनकी कटिंग लग जाती है। ये नवंबर तक करीब इसमें फ्लावरिंग होती है, उसके बाद ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है सर्दियों में, फिर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए इन्हें प्रिपेयर करना है। तो कैसे प्रिपेयर करना है उसकी वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लगा सकते हैं रेन लिली के कुछ बल्ब्स, मैंने हालांकि रेन लिली के बल्ब तो अब नहीं लगाए हैं, पर मैंने ये देखिए ये लोटस के सीड्स थे जिन्हें मैंने जर्मिनेट किया हुआ है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है। जब इसमें फ्लावरिंग हो स्टार्ट हो जाएगी तो मैं इसका फुल अपडेट आप लोगों के साथ साझा करूंगा, तो देखते हैं कब तक इसमें फ्लावरिंग आती है। तो दोस्तों ये रहे कुछ प्लांट्स जो मेरे बाग में गार्डन में लगे हुए हैं और मैंने आप लोगों के साथ उन्हें साझा किया है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।